तुमने बनाया? ओके बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। तो चैप्टर नेम इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन द लास्ट क्वेश्चन दैट आई लेफ्ट लास्ट से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर n पर्सन सर्कल में बैठे हुए हैं तो उसमें से हम r पर्सन को ऐसे चुने जिससे कि वो कंसेक्यूटिव ना हो, तो ये कितने तरीके से हो सकता है, ये क्वेश्चन था। तो n पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल, या n ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन द सर्कल, एंड हाउ टू चूज r आउट ऑफ देम सो दैट नो वन ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव टू ईच अदर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। सब सब क्लियर है? वॉइस वॉइस आ रहा है आप सबके पास? हाँ सर। तो हमने क्या किया, हाँ, इस सर्कल को यहाँ पे कट कर दिया। देन इसमें एन पर्सन बैठे हुए थे, 1 2 3 डॉट 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 एन पर्सन बैठे हुए थे, तो इस ये सब लाइन में आ गए जी। आपको लाइन में सारे पर्सन आ गए, टोटल एन पर्सन थे। इसमें से आर को चुनना है। अगर वो लीनियर होते तो क्या होता? लीनियर में अगर आपको आर ऑब्जेक्ट चुनना है, लीनियर और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल जाएगा अभी। अगर एन लीनियर है, उसमें से आर ऐसे चुनना है जिसमें कि वो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, तो इसका तरीका लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि हम इसमें से आर को आउट कर लेंगे। आफ्टर आफ्टर टेकिंग आर आउट ऑफ दिस एन, वी आर हैविंग एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स और एन माइनस आर पर्सन, राइट? नाउ अमंग एन माइनस आर पर्सन में ऐसा कुछ नहीं है, एन माइनस आर पर्सन आर ऑलरेडी देयर। यहाँ पे किसी भी आर को मैंने उठा लिया, इसको उठा लिया, अब बच्चे हैं एन माइनस आर पर्सन यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज करो ये जितने भी हैं वो एन माइनस आर पर्सन है, यानी कि अब गैप कितने क्रिएट हो गए? गैप माइनस आर, एन माइनस आर प्लस वन। इसी एन माइनस आर प्लस वन में आपको आर पर्सन को बिठा देना है। तो व्हेनेवर देयर इज गैप एंड यू आर लेटिंग देम सिट इन दैट दोस गैप्स, so there is no possibility that those r people will sit together. so those r, so any one of any two of the r is sitting together, you are making it sure after doing this. is gap में से आपको सिर्फ r चुन लेने हैं बस। so this is the number of ways actually. अब तो यहाँ पे r person आपने बिठा दिए, जो जो साथ नहीं बैठाने थे, जैसे बैठाने थे, जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया ना, कि आपने n लो में से r लोगों को ऐसे चुना जो consecutive नहीं है। हाँ। और चुने हुए ऐसे, हाँ, तो आपने वही किया ना एक्चुअली, जैसे भी किया वैसे ही किया, यानी कि दिस आर द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन इन अ लाइन, इन अ लाइन, इन अ सर्कल। बात यह है कि जैसे ही आप इसको कट करोगे तो लास्ट में फिर आप कट करने के बाद ये लाइन में बैठ जाएंगे, फिर वहां से आप आर ऑब्जेक्ट को बाहर निकालोगे, फिर यहाँ पे एन माइनस आर पर्सन आप जैसे थे वैसे ही बैठे हुए हैं। अब आपके पास गैप कितने क्रिएट हुए, फिर से n माइनस आर प्लस वन गैप क्रिएट हुए, और वहां पे आपने लोगों को बिठाया, r लोगों को फिर से बिठाया, लेकिन इस n माइनस आर प्लस वन गैप्स में ये वाला एक गैप होगा, हाँ, और यहाँ वाला एक गैप होगा, एक कम गैप होगा। सुनो, ये दोनों गैप होगा यहाँ पे, मतलब जब भी हम गैप की बात करते हैं तो एक गैप यहाँ 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 और यहाँ भी तो गैप होता है, एंड वाला दो पोजिशन भी तो ऐड होता है उसमें, तो यहाँ पे भी एंड वाला दो पोजीशन ऐड होगा गैप में। तो अगर इसमें आपने आर को बिठाया होगा, आर में से किसी को आपने सपोज करो पर्सन वन को यहाँ बिठा दिया, और आर में से एक पर्सन को यहाँ बिठा दिया, और फिर से जब इसको सर्कल में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सपोज करो ये एंड वाला था और ये भी एंड वाला था, तो एक गैप इधर क्रिएट हो रखा था, एक गैप उधर क्रिएट हो रखा था, तो दोनों पर्सन आके नजदीक बैठ के एक दूसरे को मार दिया, हमारा काम गड़बड़ा गया, यानी कि यहाँ पे नहीं रख सकते थे हम। यानी कि सर्कल में जब हम लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन गैप क्रिएट होता है, लेकिन अगर हम सर्कल में रखें, यानी कि अगर हमको बाद में तो इसको सर्कल ही बनाना है, यानी कि ये केस नहीं होना चाहिए, आप समझ पा रहे हो? -2 हाँ सर, हाँ, ये केस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो दो गैप हैं वहां पे आप किसी को नहीं बैठने दोगे, ये पॉसिबिलिटी खत्म करनी है। तो गैप फॉर सर्कल, इन केस ऑफ सर्कल यू हैव गैप एन माइनस आर माइनस वन,
इस केस में आप इस गैप को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो और इस गैप को भी कंसीडर नहीं कर रहे हो, दोनों में से कोई गैप है ही नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। तो यहाँ पे आप इस गैप को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। अगर आप इस गैप को कंसीडर करोगे तो वहां पे एक आदमी बैठ जाएगा सर, मतलब एक... सर वो तो दो गैप मिलकर तो एक गैप तो हो सकता ना। तो पहले तो आप ये दो को माइनस करोगे, लेकिन अगर यहाँ पे एक बैठे और फिर ये सर्कल बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ। आपने इस गैप को लिया है या इस गैप को लिया है ये कैसे पता चलेगा? आप अगर सपोज करो मैं एन माइनस आर माइनस वन नहीं ले रहा, एन माइनस आर प्लस वन में से मैंने दो गैप हटा दिए और आप बोल रहे हो कि सर ऐसा करते हैं एन माइनस आर प्लस वन में से सिर्फ एक गैप हटाते हैं, तो कौन सा गैप हटाया आपने, ये वाला या ये वाला? तो अगर आपने ये वाला हटाया तो ऐसा केस बना और यहाँ पे आदमी बैठ सकता है, यहाँ पे आप वहां बिठा दोगे, ठीक है ओके। और अगर ये वाला गैप हटाया तो यहाँ पे बिठा देंगे, तो इसका मतलब है कि हम जैसे सर वो तो एक जैसे ही, सुनो ऐसा करते हैं हम लोग फिर से देखते हैं। सपोज करो पांच पर्सन है आप, 1 2 3 4 5 खुद ही हो जाएगा क्लियर। तो 5 पर्सन से यहाँ पे हमने कट किया और ऐसे बिठा दिया 1 2 3 4 5, गैप कितने क्रिएट हुए 1 2 3 4 5 6, तो n माइनस आर प्लस वन गैप क्रिएट हुए। लेकिन अगर हम वापस इसको सर्कल बनाएंगे तो ये दोनों पोजीशन आपस में लड़ झगड़ लेंगे, तो सर्कल बनाने के बाद हमें ये दिखाई देगा। तो सपोज करो n माइनस आर लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गैप कितना बन रहा है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 है तो 5 गैप बन रहा है, ओके 5 है तो 5 गैप बन रहा है, लेकिन लीनियर में 5 में 6 गैप बनता है, ओके। तो अब हमारे पास हमें हमारे को आर लोगों को यहाँ पे डालना है, हमने आर को हटाया था, आर हमारे पास है, हमको इसमें से इसमें आर लोगों को डालना है। तो इसमें हम अगर ये दोनों लीनियर में आ रहा था तो ये दोनों गैप तो एक गैप तो हो गई ना, उनसे एक गैप तो हो गई, या तो वो यहाँ बैठेंगे, लेकिन अगर हमने वही गैप लिया तो कौन सा 1 2 3 4 5 6 गैप है, तो लीनियर के केस में ऐसे मोड़ने पे ये वापस यहाँ पे दो लोग एक साथ आ सकते हैं, ठीक है ओके। अब ये सर्कल में है यानी यहाँ पे बाकी हर जगह कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 और ये 5 गैप, जितने लोग हैं उतने गैप ले लीजिए एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन नहीं होगा, एन माइनस आर होगा, इसको एक गैप तो मानना चाहिए। हाँ सर, एन माइनस आर लोग प्लस वन गैप से आपको चुनना, अब यहाँ पे एन माइनस आर गैप में से चुनना है, एन माइनस आर सी आर होना चाहिए। ऐसे केसेस ऐसे पॉसिबिलिटी हम इसमें से हटा देते हैं कि आपने यहाँ पे हाँ हाँ देखो ठीक है बहुत सही बात है, एन माइनस आर गैप ही होगा, लेकिन हमारा हम कहीं और खो गए, हमारा काम ये है कि लीनियर में से उस पॉसिबिलिटी को खत्म कर देना जिसपे लास्ट के दो गैप में लोग बैठे हों। तो जो आर लोग बैठे थे, आर लोग जो निकले हुए थे बाहर, उनमें से दो लोगों को मैंने यहाँ बिठा दिया, ठीक है, या फिर बैठाया नहीं, मैंने इनको सील कर दिया कि यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं, ना तो यहाँ कोई बैठेगा ना तो यहाँ कोई बैठेगा, इस पोजीशन में मैंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया कि अब यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा। तो अब हमारे पास कितने गैप बचे हैं, एन माइनस आर प्लस वन में से दो गैप चले गए, तो अब हमारे पास बचे हैं एन माइनस आर माइनस वन गैप, हाँ बाकी के गैप में आप प्लेस कर दो। हम सर्कल को देख ही नहीं रहे, हम बस लीनियर देख रहे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ वेज इतने आ चुके थे, अब इसमें से हम वो केस माइनस करेंगे जिसमें सपोज करो इसमें यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं,
मतलब इसमें से सारी पॉसिबिलिटी आएगी कि आर लोग जहां भी बैठे हैं सारी पॉसिबिलिटी आएगी। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी आएगी कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एक पॉसिबिलिटी ये भी आएगी कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो बाकी प्लेस कितने बचे, एन माइनस आर माइनस वन, और इसमें से अब आप कितने लोगों को बिठाओगे, क्योंकि दो लोग तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो अब यहाँ पे आप आर माइनस टू लोगों को बिठाओगे। तो इसी केस को ना आपको इसमें से माइनस करना है बस। तो टोटल पॉसिबिलिटी ये थी, ये इसमें से ये चीज आपने माइनस कर दिया जब एंड में दोनों जगह लोग बैठे हुए थे, बाकी आर माइनस टू लोगों को आपने ऐसे बिठा दिया इन गैप में से सेलेक्ट करके। तो ये वो पॉसिबिलिटी है जिसमें एंड में दो बैठे हुए थे, तो इस पॉसिबिलिटी को आपने माइनस कर दिया। तो अब बाकी सारी पॉसिबिलिटी है आपके पास जिसमें एंड में लोग नहीं बैठे हुए थे। हो सकता था यहाँ बैठे हो सकता है यहाँ बैठे हो सकता है यहाँ वैसे कहीं नहीं बैठे हो, वो सारी पॉसिबिलिटी अब ओपन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक तो हो ही जाएगा, वो सब इसमें इंक्लूड हो गया है। आप इसको सोचो और समझो, समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगा। तो ये आंसर हो गया आपका, टू प्लेस टू गेट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन प्लेस्ड इन अ सर्कल। ये तो सिर्फ सर सर्कल के ही केस में ना सर वैलिड है, सिर्फ सर्कल के केस में वैलिड है, लेकिन कैसे किया वो आपको प्रोसीजर समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम जैसे लीनियर में करते वैसे करेंगे, जो लास्ट टू पोजीशन जो गैप है उसमें मैंने लोगों को फिक्स कर दिया दो को, बाकी एन माइनस आर माइनस टू लोग बचे, सॉरी आर माइनस टू लोग बचे, उनको उनके लिए जो भी गैप था उसमें से आर माइनस टू गैप सेलेक्ट कर दिया। क्लियर और नॉट कलोल, क्लियर है सर? ये सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखो फिर से मैं बोलता हूँ, मैंने ये कहा है कि सर्कल में मेरे को एन लोगों को बिठाना था, उसमें से आर ऐसे होने चाहिए जो कंसेक्यूटिव नहीं हो। तो मैंने क्या किया, सर्कल को खोल दिया और इसको बना दिया लीनियर, लाइन बना दिया। तो लाइन में बिठाने के तो यही तरीके होंगे, हाँ। इसमें आर कंसेक्यूटिव ना हो, लेकिन इसमें तो वो भी केस इंक्लूड होगा जिसमें एंड गैप में भी हो सकता है लोग बैठे हो, हाँ। यहाँ पे मान लो कि नहीं बैठा हो, जैसे मान लो पांच यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो और उसमें से सपोज करो टोटल 8 लोग थे, तो उसमें से 3 लोगों को कॉन्सिक्यूटिव नहीं बैठने देना है। तो मैंने क्या किया, 8 में से 5 को निकाल लिया, सॉरी 3 को निकाल लिया। तो अब 3 के लिए कितने गैप बचे, 5 6 गैप बचे, हाँ। 6 में से कोई भी 3 गैप चुन लिया और वहां बिठा दिया, ये हो गया ये वाला बात। इसमें ये भी तो इसमें जो 3 गैप आपने चुने वो ये हो सकता है 1 2 3, वो ये हो सकता है 1 2 3, वो ये भी हो सकता है कि एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया और एक यहाँ बैठ गया। मतलब ये सारी 3 गैप में बैठने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी, हाँ। कुछ भी हो सकता है। और एक ऐसा केस होगा जिसमें एक आदमी यहाँ हो, एक यहाँ हो और बीच में कोई भी यहाँ पे हो, ऐसा केस हो सकता है। ऐसा जितना भी केस होगा, या तो ये होगा या तो ये, एक यहाँ पे एक दोनों, यहाँ पे एक दोनों और एक यहाँ पे, ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ। समझ पा रहे हो, एक यहाँ पे, हाँ सर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने इन सारी पॉसिबिलिटी को खत्म करना है ताकि जब मैं इसको सर्कल में मोड़ूं तो ये लास्ट वाले लोग आपस में लड़ाई ना करें, मतलब यहाँ पे ना हो, ये इस पॉसिबिलिटी को खत्म करना है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को खत्म करने के साथ आपने इस पॉसिबिलिटी को तो जिंदा ही रखा है, देखो इसमें एक आदमी तो है ही, हाँ, एंड में, हाँ, हाँ, हाँ। ये पॉसिबिलिटी कहाँ गया, वो तो है ही अभी भी, और बाकी सारी पॉसिबिलिटी है जिसमें इस तरफ आदमी होगा, इस तरफ नहीं होगा, कभी इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, कभी दोनों तरफ नहीं होगा, सारी पॉसिबिलिटी उसमें ऑलरेडी है। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी गई है जिसमें दोनों तरफ आदमी बैठा हुआ है, दोनों तरफ आदमी, सर, एक सर, सुनो 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 सुनो, तो ये दोनों तरफ बैठा हुआ है, सिर्फ उसको हटाना है। तो मेरे पास टोटल 8 लोग थे, 8 में से 3 को निकाला, 3 को निकालने के बाद 8 में से 5 बचे और 5 6 गैप बचे, 6 में से 3 को फिर चुना और वहां बिठा दिया। इस ये हो गया लीनियर में। अब इसको सर्कल में बनाना है तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें, अगर उन केस को कंसीडर करो जो लास्ट में दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हैं तो गैप की संख्या अब हो गई 4, हाँ। 1 2 3 4, इन 4 में ही आप लोगों को बिठाओ, 4 में से ही आप सेलेक्ट करो, 2 को तो बिठा दिया,
अब सिर्फ एक को बिठाना है, मतलब आपने दो को बाहर बाहर बिठा दिया तो अंदर कितनी पॉसिबिलिटी थी, 4C1, यानी कि चार ऐसे केसेस होंगे जब ये एंड में लोग होंगे, दोनों पे एंड में होंगे, तो ये केस आपने इसमें सब्ट्रैक कर दिया। अब बाकी जितने भी केसेस हैं उस केस में अगर आप सर्कल को लाइन को मोड़ दोगे, सर्कल बना दोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो दो आपस में यहाँ नहीं भिड़ेंगे, या तो एक होगा या तो एक भी नहीं होगा। तो यही तो हमें चाहिए कि वो दोनों आर में से तीन में से कोई भी साथ ना हो जाए। तो बस यही केस आर में है कि लास्ट में दो बिठाया, बाकी आर माइनस टू ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर दो, तो आर माइनस टू ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर दो गैप में, और इस वाले केस को सब्ट्रैक्ट कर दो, जितने भी ऐसी पॉसिबिलिटी है उसको हटा दो। बाकी पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है या ये हो सकता है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो हाँ इसको आप रख लीजिए। हाँ आप बोलो, कोई डाउट है किसी को? सर ये आर माइनस टू का मतलब क्या है सर? उसमें से आर लोगों को बिठाना था ना, आर को पहले निकाला था और आर को बिठाना था। आर ऐसे लोग हैं, आर ऐसे लोग हैं जो कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते, यही करना था हमें। तो दो लोगों तो पहले ही बिठा चुके हैं ना आर में, जैसे तीन को बिठाना था तो तीन में से दो को तो यहाँ एंड पे बिठा दिया, जानबूझ के हमने वो केस कंसीडर किया जिसमें सर्कल में मोड़ने पे लड़ाई हो सकती है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो यही जानबूझ के मैंने यहाँ लास्ट में दो बिठाया। तो बचे कितने? आर माइनस टू बचे, आर माइनस टू ना, दो तो बैठ चुका है, तभी तो बाकी केस में वो बचेंगे जिसमें वो दो आपस में साथ में नहीं बैठे। ओके सर, ओके, चलिए ये सर्कल में हो गया। सर्कल में आप कैसे चीजों को सिलेक्ट करते हो जिसमें वो कंसेक्यूटिव ना हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आप पेपर में आने पे इमीडिएटली आप इसका आंसर कर सकते हो, ज्यादा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलो तो आपको बस एक लाइन याद रखना, ये माइनस ये, और कॉन्सेप्ट तो याद रखना ही। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है? वो जो 5 डिजिट का जो नंबर दिए थे उसका सम सर नहीं निकल रहा है सर, थोड़ा बता दी। सम के केस में ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था और एक बार फिर से करेंगे, ये सम वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको याद रखना है। सर ओ सर मेरा उसका आंसर आया। ओके देखो मैं बताता हूँ, बोलो क्या आया, एक बार बोलो सर। 6 6 6 6 6 5 6 ओके 5 6 उसके बाद 2 आंसर बता रहा हूँ सर। हाँ 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 5 6 उसके बाद 2 समझ गया ना, मतलब ये समझिए यही ना। हाँ हाँ इसका 0 हाँ और एक 0 और एक और एक 0 तो ये बता रहे हैं कि सम ये है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसको नंबर लिखूंगा, एक नंबर बनेगा 13579, एक नंबर बनेगा 13759, एक नंबर बनेगा 31579, एक नंबर बनेगा 31759, ऐसे कर करके 9 कितनी बार आएगा यूनिट प्लेस पे बता दो, जितने तरीके से ये चार आपस में अरेंज कर लेंगे उतने बार ही 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा? 4 फैक्टोरियल लिख दो, 24 बार आएगा, यानी कि हम सारे 9 को ऐड कर देंगे। अच्छा अच्छा सर, 9 आएगा यूनिट प्लेस पे 24 बार, इसी तरीके से 7 भी आएगा यूनिट प्लेस पे 24 टाइम्स, इसी तरीके से, समझ आ रहा है यहाँ तक? अब फिर 5 का भी वही सिचुएशन होगा, 5 भी यूनिट प्लेस पे फैक्टोरियल 4 टाइम्स आएगा, 3 भी यूनिट प्लेस पे फैक्टोरियल 4 टाइम्स आएगा, और 1 भी यूनिट प्लेस पे फैक्टोरियल 4 टाइम्स आएगा। यानी कि अगर हम यूनिट प्लेस के ऑब्जेक्ट को ही जोड़ें, 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1, तो इन सबको ऐड करके कितना मिलेगा? ये सब 24 बार आया है, 9 × 24, 7 × 24, 5 × 24, तो सबको 24 से एक साथ ही मल्टीप्लाई करो ना। तो यूनिट प्लेस पे डिजिट का सम ये होगा, अग्री और नॉट? यूनिट प्लेस पे डिजिट का सम ये होगा, जितनी बार 9 यूनिट प्लेस पे आएगा, क्या 10th प्लेस पे उससे डिफरेंट? 10th प्लेस पे तो उतनी बार आएगा ना, फिर भी 9 यहाँ पे जितनी बार आएगा उतनी बार यहाँ भी तो आएगा।
यानी टेंथ प्लेस पे भी सम ऑफ डिजिट इतना ही होने वाला है, यानी कि हर प्लेस पे सम ऑफ डिजिट इतना ही होने वाला है। तो ये चार बार आ जाएगा, प्लेस पे सम ऑफ डिजिट इतना ही होने वाला है, पांच बार आ जाएगा, हर प्लेस पे सम ऑफ डिजिट इतना ही होने वाला है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि यूनिट प्लेस पे सम ऑफ डिजिट ये है, टेंथ प्लेस पे सम ऑफ डिजिट ये है, हर प्लेस पे सम ऑफ डिजिट ये है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू अलग अलग है। अगर सम ऑफ डिजिट यूनिट प्लेस पे होता है 3 तो वो 3 ही रहता है, और सम ऑफ डिजिट अगर टेंथ प्लेस पे होता है तो वो 30 होता है, ठीक है, और 100 प्लेस पे वो 300 होता है। एक्चुअली में अगर यहाँ पे कुछ जैसे 446 लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 का वैल्यू 4 नहीं है, ये 400 है, और यहाँ 50 है, और यहाँ 6 है। यानी कि अगर टेंथ प्लेस पे लेंगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 100 प्लेस पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्चुअली में नंबर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 1, टेंथ प्लेस पे 10, 100 प्लेस पे 100, और 1000 प्लेस पे 1000, एंड 10000 प्लेस पे 10000, ये, और ये सब के साथ होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 यूनिट प्लेस पे 24 बार, 9 टेंथ प्लेस पे 24 बार, ऐसे कर करके। फिर सिमिलरली इसके लिए, तो ये जो आपके सामने आएगा इसका सम, वही तुम्हारा आंसर होना चाहिए, यही है सम ऑफ डिजिट। जैसे मान लो इन सब को जोड़ के आया 35, तो 35 आएगा नहीं, कितना आएगा देख लो, तो 35 आया, फिर इसका भी 35 आया, तो 35 प्लस 35 इंटू 10 प्लस 35 इंटू 100, ऐसे करके आप सम कर सकते हो। सम करने का ये भी एक तरीका है, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, हाँ, जैसे 3, 5, 6, 7, 8, 9 इन सबको जोड़ने का एक और तरीका है, ऐसे कर लो 6 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100, ये भी एक तरीका है। सारे प्लेसेस को जोड़ो, तो यहाँ पे जोड़ के आया 15, तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको जोड़ के आया 13, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको ऐड करके आया 10, तो इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 100 प्लेस पे था, तो बस हर जगह सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ा था, तो सबसे पहले ऐड किया, ऐड करके ये आया, और उसको ऐड करके ये आया, ये सब एक साथ समझो आप, 24 इंटू ऐड करके ये आया, और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इससे मल्टीप्लाई करते चले गए। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे हर जगह यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस पे अलग अलग वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम ही आ रहा है, इसलिए हम ऐसे ब्रैकेट डाल पा रहे हैं, नहीं तो हमें अलग से करना पड़ता। यूनिट प्लेस पे जो आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करते, जो टेंथ प्लेस पे आया, सपोज यूनिट प्लेस पे 25 आया, टेंथ प्लेस पे हो सकता है 30 आए, तो उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करते, 100 प्लेस पे हो सकता है 45 आए, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते। मेरे ख्याल से मैं बहुत बोल चुका हूँ, आप समझ चुके हो, फिर भी नहीं समझो तो आप बता सकते हैं, मैं रुक के फिर बता दूंगा। 24 कहीं भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, आप इसका आंसर कर दो, 24 इंटू 1, 1, 1, यहाँ पे देखो 5 होगा ना ये, हाँ, इंटू ये कितना, 9, 1, 10, 10, and 10, and 5, 25, सो 24 इंटू 25 कितना है, 625 माइनस 25, 600 इंटू 1, 1, 1, 1, 1, तो ये कितना हो गया, 666600, ये आंसर। एक बार मैंने ऐसा बताया था, हाँ सर, 4 डिजिट के लिए बताया था, हाँ, इसमें वो और भी चीज पूछ सकते हैं, ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ ऑल द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 3, ऐसा पूछेंगे तो क्या करो, सम ऑफ ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 3, यूनिट प्लेस पे वही रख, नहीं पहले सम ऑफ डिजिट, पहले सम ऑफ डिजिट को फाइंड करेंगे कि कौन से 3 से डिविजिबल हो रहा है, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके, हाँ, अगर हमें इन 5 डिजिट से बनाना है तब तो फिर अगर या तो डिविजिबल होगा या तो नहीं होगा, हाँ, आप समझ पा रहे हो, तो ये तो 25 आ रहा है, तो ऐसा एक भी नंबर नहीं बनेगा जिससे कि ये 3 से डिविजिबल हो, ठीक है, लेकिन अब वैसे क्वेश्चन में आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि रिपीटेशन, आप खुद ही सोचो कि रिपीटेशन अलाउड है, कि इसमें से आपको ऐसे नंबर चुन के बनाने हैं जिससे कि वो डिविजिबल हो, जैसे आप 7 हटा दो तो आपके पास मिलेगा 1, 3, 5, 9, और इसकी हेल्प से आप 5 डिजिट का नंबर बना सकते हो,
रिपीटेशन अलाउड करते हुए, तो वो डिविजिबल होगा थ्री से, ठीक है। और आप क्या हटा सकते हो सोचो, 21 हटा, 1 हटा दो, 3, 5, 7, 9, इनसे अगर आप बनाओगे 5 डिजिट का नंबर तो भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। 25 में से 1 माइनस किया 24 आया, तो मैंने सोचा ये, 25 में से 7 माइनस किया 18 आया, इसलिए मैंने सोचा ये, 25 में से और क्या माइनस करोगे जिससे वो 3 से डिविजिबल आ जाए, 3 माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा, नो वे, 5 माइनस करोगे 20 आ जाएगा, नहीं, 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, तो यानी कि सम, हाँ 16 आएगा। तो यानी कि दो ही ऐसे केस होंगे जिस केस में आप यहाँ पे 5 डिजिट नंबर बना सकते हो सर, पर 5 डिजिट, रुको रुको ना, अभी पूरा करने दो। पहला ये हो गया आपका, पहला पहले 5 डिजिट में यूनिट प्लेस पे आप 4 में से कोई भी रख सकते हो, फिर 4 में से कोई भी रख सकते हो, फिर 4 में से कोई, फिर 4 में से कोई, तो ये कितना हो गया 4 पे पावर 4, ये हो गया, फिर ये वाला 4 पे पावर 4। दूसरा, आप 2 डिजिट हटा दो, इसमें से 2 डिजिट हटा दो, एक आपने 7 हटाया, एक 3 हटा दो, तो 159 से कितने बनेंगे, बस एनालाइज कर रहे हैं ऐसे ही, 159 से कितने बन जाएंगे, 9, 6, 15 डिवाइड हो रहा है ना 3 से, तो फिर यहाँ पे 3 पे पावर 5, ठीक है, पर अच्छा 5 डिजिट बनाने थे ना, ये 5 हो गए, 5 हो, तो ये 3 पे पावर 5, ठीक है, ये इससे 3 पावर 5 बन जाएंगे। और इस केस में अगर 2 डिजिट हटाने हैं और 3 हटा दिया आपने, तो यहाँ भी 3 पे पावर 5 बन जाएंगे। अब सोचो और भी कुछ हटाया जा सकता है क्या, एक 159 कर लिया और एक 579 कर लिया, अब यहाँ पे हो सकता है अगर कुछ और हटाने से बन सके तो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। 3 हटाने से बन गया, 9 हटाने से बनेगा क्या, 135 इससे भी बन जाएगा, टोटल हमारा 18 बन रहा है, 18 में से 9 माइनस किया, 18 में से 3 माइनस किया, 18 में से 3 का मल्टीपल और कोई नहीं है, तो यहाँ से भी ये बनेगा, फिर ये बनेगा, यानी कि ये 3 पावर 5 एक और बनेगा, और यहाँ पे अगर आपने 3 हटाया और फिर से 9 हटाया तो यहाँ भी 2 बनेगा, और 5, 7 में से कुछ नहीं हटा सकते, 3 का मल्टीपल नहीं। आप समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? हाँ सर। नहीं समझ पा रहे, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे सर, पर हमने अगर 1, 3, 5, 9 वो जो 4 डिजिट है उनमें अगर 1 को रिपीट कर दिया तो वो तो 3 से डिविजिबल नंबर नहीं बनेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब चारों यूज करना ही पड़ेगा। हाँ। नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, चलो हटाओ। तो वो मैं उसको एक्सपेंड कर एक्सटेंड कर रहा था, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसने सही बोला है कि वो 3 से डिविजिबल नंबर बनाने के लिए चारों को होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये रिपीट कर दोगे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर बनेंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हटाओ। और अब बताओ क्या करना है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वो तैयार हैं, जेई मेन के क्वेश्चन, और आपको बताओ कुछ पूछना हो। और वो जो कल तुम पूछ रहे थे वो क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, क्लियर। वो कैप्टन को भी सेलेक्ट करना है, तो पहले आप टीम को सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद कैप्टन को सेलेक्ट करोगे। कैप्टन कोई सेलेक्टेड नहीं है, सेलेक्ट करना है 4 में से, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। हाँ भाई, सर समझ नहीं पा रहा था वो 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप समझ गए? हाँ, तो अब मैंने जो लिखा उसे समझ में आ गया? हाँ हाँ, उससे समझ में। हाँ, तो 4 में से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ओके, बता नहीं रहे क्या करना है, बताऊं क्वेश्चन दूं मैं आपको मेन का? हाँ चलो ठीक। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी अभी आपका स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन नंबर 7 तक आ जाएगा। साफ साफ नहीं दिख रहा है, 7 तक क्लीन नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, 1, 2, 3, 6 आ गया ना।
चलो अब सेवन आ रहा है, चलो वन टू थ्री और सिक्स कर लो आप, आ गया? हाँ सर। कैमरा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे, ओके ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे सबसे पहले। सर ऑल सीरीज का मतलब क्या है सर? पर ऑल सीरीज का है, क्वेश्चन थ्री है ना, ऑल सीरीज का है इसमें। ओ सॉरी सर, बोलो बताया जाए। हाँ सर। अ वोटर में वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, हमने ना वोट किया है हमेशा एक कैंडिडेट को। इस एग्जाम क्वेश्चन सेटर ने सोचा है कि थोड़ा इसको यूनिक बनाते हैं, इसमें ऐसा कुछ इलेक्शन हो रहा है जिसमें कि एक वोटर एक से ज्यादा कैंडिडेट को वोट कर सकता है। कितने कैंडिडेट को, जितने को सेलेक्ट करना है। सपोज 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोग 10 को वोट कर सकता है, 4 लोग खड़े हैं तो 4 को वोट कर सकता है, ठीक है। For any number of candidates, not greater than number to be selected. ठीक है, तो कैंडिडेट, हाँ कैंडिडेट जितने सेलेक्ट करने हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे 15 कैंडिडेट खड़े हैं और उसमें से 3 को सेलेक्ट करना है तो वो 3 को वोट कर सकता है, 15 में से किसी 3 को वोट कर देगा। फिर दूसरा इंसान आएगा, 15 में से किसी 3 को वोट कर देगा, फिर पता चलेगा किसको ज्यादा वोट पड़ा है। ये अजीब इलेक्शन है। तो अब इसको आप शायद अच्छे से समझ पाए हो, 10 10 कैंडिडेट्स आर देयर
और उसमें से चार को सेलेक्ट करना है। 10 कैंडिडेट्स में से इलेक्शन होने के बाद चार सेलेक्ट होंगे। चार क्या नंबर है? जितनी बार वोटर वोट कर सकता है, यानी कि एक वोटर कितनी बार वोट कर सकता है मैक्सिमम? चार बार। वो उसकी चॉइस है कि वो या तो एक बार वोट करे, मतलब एक कैंडिडेट चुने, या दो चुने, या तीन चुन ले और उनको वोट कर दे, या चार चुन के वोट कर दे। इसके आगे वो नहीं कर सकता, समझ पा रहे हो? इसमें से उसको 10 में से चार चुनने हैं उसको, या तीन चुनने, या दो चुनने, या एक चुनने हैं। तो कितने तरीके से वोटिंग हो पाएगी? एक वोटर के द्वारा कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो वोट कर पाए? अगर उसमें से सब में से एक 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 चुनता है, तो वो 10 तरीके से कोई एक कैंडिडेट चुन सकता है, और अगर कोई भी दो चुनता है तो 45 तरीके से चुन सकता है। कोई भी तीन चुनता है तो कितना होगा? 10 × 9 × 8 / 6। इतने वेट से कोई भी तीन, कोई भी तीन, कोई भी तीन, कभी ये वो, कभी वो, कभी वो, ऐसे करते। और अगर चार चुने तो कितने तरीके से वो चुन सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 55 + 3 = 24 जा, और ये खत्म। तो ये हो गया 120 + 8 3 जा and 3 3 जा, सो 210। इन सबको ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 5 × 7 = 5 and 10 385। समझ पा रहे हो? ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन ठीक है। ओके, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, ये पहले इससे पूछ लो कुछ पूछना है तो, और स्क्रीनशॉट लिया है क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्ट डूइंग दैट। सर वो 6 वाला क्वेश्चन का जो दो स्टेटमेंट है वो एक बार पढ़ दीजिए। वो सर मेरा जो वीडियो का ये पिक्चर है ना उसमें आ गया स्क्रीनशॉट लेने पर, मतलब वो आ गया। तो आप देख लो यहाँ पे फिर से, ये इसका ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? हाँ ठीक। I am going to give you a homework of question, total number of question 35. और अगर आप ये एक वीक के पहले, वैसे आपका तो थर्सडे को फिर से होना ही है, तो ठीक है फिर 35 questions कीजिए। If you need more than that, I can submit also a few more pages.
सर वो तो उसमें तो दो ही स्टेटमेंट गलत होगा। दो स्टेटमेंट गलत होगा। हाँ द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द चाइल्ड कैन बाय द सिक्स आइसक्रीम इज इक्वल टू दिस, ये तो सही स्टेटमेंट है। सेकंड देखो वाला मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पहला है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द चाइल्ड कैन बाय द सिक्स आइसक्रीम्स, फाइव टाइप ऑफ आइसक्रीम्स वहां पे है। आप गए वहां पे, कोई चोकोबार है, कोई वनीला है, कोई कोई क्या क्या है वो सब कुछ है, ऑरेंज है, कोई कुछ है, इस तरह के फाइव तरीके का आइसक्रीम है, और आपको वहां से छह आइसक्रीम खरीदने, ठीक है। अब जिसको आपको हो सकता है चोकोबार ही आप छह का छह खरीद लो, क्या नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता ऐसा, उसने कभी मेंशन नहीं किया आपको क्या खरीदना है। फाइव टाइप के आइसक्रीम है, आपको छह आइसक्रीम खरीदना है, तो आप हो सकता है वनीला का ही छह पैक खरीद लो, हो सकता है दो वनीला ले लो बाकी चार चोकोबार ले लो, हो सकता है वनीला चोकोबार में से कुछ ना लो बाकी अलग टाइप का चार आइसक्रीम ले लो, छह आइसक्रीम ले लो। इसीलिए आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब पांच टाइप के आइसक्रीम में आप पांचों को उसमें से एक दो तीन चार पांच छह जितने चाहे ले सकते हो, छह से ज्यादा नहीं ले सकते। इनका सम क्या होने वाला है? हाँ इनका सम होने वाला है छह, पांच टाइप की आइसक्रीम है और वहां से सबका सम छह होने वाला है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, यही है कि छह चीजों को पांच बैगर में बांटने वाली बात, तो उसके लिए आपको चार डमी कॉइन चाहिए, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला। तो ये हो गया 10 प्लस 5 यानी कि ये 10 सी 4, ये आंसर है। और आपको याद है ये 10 सी 4 कैसे आया था? हाँ सर, छह ऑब्जेक्ट हैं उसमें से पांच डमी क्वाइन है, सॉरी पांच पार्टीशन है, तो चार लेने पड़ेंगे डमी क्वाइन, छह क्वाइन है, चार डमी क्वाइन है, और छह आइडेंटिकल और चार आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना होता है, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4, और इसी से ये बन गया था 10C4। तो 10C4 का ओरिजिन यही है, मतलब छह अलग चीज और चार एक जैसे चीज, छह एक जैसे और चार एक जैसे को बांटने का ये तरीका। स्टेटमेंट 2 में यही लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द चाइल्ड कैन बाय द आइसक्रीम इज दिस, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, 10C4 होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है कि डिफरेंट वेज द चाइल्ड कैन बाय द आइसक्रीम is equal to the number of different ways of arranging. Arrangement तो नहीं हो सकता। हाँ तो और क्या कर रहे हैं आप? ये arrangement ही तो है। वो देना है बच्चों को आइसक्रीम देना है तू तो। छः ए लेते हो, आप अरेंज मत करो ना, आपको आइसक्रीम अरेंज नहीं करना है। आपको आइसक्रीम अरेंज नहीं करना है, लेकिन आंसर जो है क्या वो सेम नहीं आ गया? 6A and 4B इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा कि आप दो ए ले लो और इसको ऐसे आप मिक्स करते जाओ ऐसे 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 ऐसे, तो इसका आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4, इसका भी तो आंसर यही होगा जो इसका आंसर है। NC4 का जो आंसर है वही इसका आंसर है। अब यहाँ पे बिल्कुल आप इसके प्रैक्टिकलिटी में मत जाओ कि यहाँ तो हम कुछ अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, एक ये ऐसा कैसे बना, इसमें मैंने पांच चार डमी आइसक्रीम डाले थे या चार डमी कुछ ऐसा पार्टीशन करने के लिए डाला था, तो वो जुड़ गया, वो आइसक्रीम थोड़ी ना है, ठीक है, उसके उस पे प्रैक्टिकलिटी में नहीं जाना है। दोनों आंसर सेम है, बात खत्म। चलो ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपसे मैं क्या करवाऊं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ सर कर ले लिए, नहीं लिए सर, रुक जाइए सर।
लिखने लग गया क्या? ओ चंपक बोलो, हाँ, बड़े बड़े बेकार इंसान है। अरे सर कालोल का वो आ गया था सर, वो क्या कहते सर, मैक बंद करने का। सर हो गया, अच्छा अच्छा वो आ गया, ब्लैक आ गया था पूरा। अच्छा अच्छा सर उसके आंसर 21C7 21C7 होगा, सी वाला। नंबर ऑफ वेज इन विच एन एग्जामिनर कैन असाइन 30 मार्क्स टू 8 क्वेश्चन गिविंग नॉट लेस देन 2 मार्क्स टू एनी क्वेश्चन, मतलब कम से कम 2 मार्क्स तो सबको मिले। हाँ। तो 30 मार्क्स को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 क्वेश्चन। सर हां सर, सर बोलूं एक बार कैसे कर? बोलो। और सर 30 मार्क्स को 2 से कम नहीं देना, इसका मतलब हमने 2 मार्क्स सबको पहले दे दिया तो 8 into 2 = 16 16 को 16 मार्क्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनिशियली। हां हां 13 माइनस 16 मार्क्स 14 मार्क्स बचे हुए हैं। हां वो 14 मार्क्स को 8 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 14 प्लस 8 माइनस 1 सी 8 माइनस 1 14 मार्क्स को 8 लोगों में 14 पॉइंट को 8 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट एनी बेगर कैन गेट एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो 14 प्लस 8 माइनस 1 सी 8 माइनस 1। ठीक है, इसको तो ये करने का तो एक ही तरीका होगा, इसमें तो कोई ज्यादा तरीका ही नहीं है। तो ये हो गया आपका 21C7। ठीक है, सो वन क्वेश्चन यू नीड टू राइट नाउ फॉर द होमवर्क, फॉर अ होमवर्क, सिंगल क्वेश्चन फॉर अ होमवर्क, और उसके बाद वो पूरा पेज होमवर्क के लिए मैं आपको अभी सेंड करने वाला हूँ व्हाट्सएप पर। सो राइट इट, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स, there are unlimited number of red, white, blue and green balls. ठीक है? हाँ सर। They are all alike except their colors. They are all alike. Alike मतलब एक जैसे। They are all alike except their colors. ठीक है, देखिए number of ways in which 10 balls can be selected, number of ways in which 10 balls can be selected. चलो इस पे थोड़ा लगाना दिमाग। ठीक है, गोइंग टू एंड इट नाउ। हाँ सर, आज सर और सर टीचर्स डे का सर प्रणाम लेना हमारा। हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, वो हमेशा आशीर्वाद है, हमेशा टीचर हार्ट से चाहता है कि
उतना ज्यादा ग्रोथ हो उसके बच्चे सबसे ज्यादा ग्रोथ करे, जो उससे पढ़े वो सबसे ज्यादा ग्रोथ करे, ये वो स्वार्थी ऐसा वो सोचता है। बट यूनिवर्सल लेवल पे उसको सबके लिए सोचना चाहिए, लेकिन जो हमारे सामने होता है हम तो उसी को विश कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू।